नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ये, और स्टॉक प्राइस 14 रुपीज के आसपास कारोबार कर रहा है 27 सितंबर 2022 को। तेजी आई है, लगभग 15 से 17% की तेजी आई है 27 सितंबर 2022 को। तो ये तेजी क्यों आई है, क्या कारण है? तो कंपनी के ऊपर डेप्ट था दोस्तों, 6500 करोड़ का डेप्ट था, घटकर 3500 करोड़ तक का डेप्ट आया है, 3575 करोड़ का डेप्ट आया है। कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है, इस डेप्ट का रेजोल्यूशन प्लान बनाया है दोस्तों। 3575 करोड़ का जो डेप्ट है, तो सालाना 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा लेंडर्स को, बैंक्स को, ये 10 साल के लिए रहेगा दोस्तों। इस तरह का प्लान बनाया है डेब्ट को ख़त्म करने के लिए। तो हर साल 400 करोड़ डेब्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए, और इसी डेब्ट के वजह से स्टॉक प्राइस काफ़ी गिरा हुआ है दोस्तों, और एक तरह से पेनी स्टॉक बना हुआ है। तो SSC के लिए अच्छी खबर है। तो SSC का फाइनेंशियल नंबर देखते हैं। एनुअली 2022 में 10,669 करोड़ का था, तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है सालाना। तो क्वार्टरली मान के चलिए कि 2,000 करोड़ के ऊपर का सेल्स है। और नेट प्रॉफिट एनुअली की बात करते हैं तो 179 करोड़ का था। बट ये कि अगर हम क्वार्टरली अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में नुकसान था इसको, और ये नुकसान था 279 करोड़ का, उससे पहले प्रॉफिट में थी। मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप SSC का 27 सितंबर 2022 को 2171 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपये का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 60% का है, 1 साल का रिटर्न 47% का है, और 3 महीने का रिटर्न 14% का स्टॉक आज ही ऊपर की तरफ आया है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर थे, और कंपनी का सेल्स अच्छा है, डेब्ट होने की वजह से स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है, और तो अब डेब्ट का पेमेंट करने के लिए प्लान बन गया है। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है। 14.40 रुपया में स्टॉक प्राइस है 27 सितंबर 2022 को। पिछले 5 साल की बात करते हैं तो 53% की गिरावट है। तो ये डेप्ट के कारण एक तरह से देखिए ये अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। ये स्टॉक देखिए 16 अक्टूबर 2020 को 4 रुपये में था, तो उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई, स्टॉक 14.55 रुपये तक पहुँचा 9 जुलाई 2021 को। उसके बाद नीचे की तरफ 9 रुपये में आ गया, और फिर ऊपर की तरफ पहुंच गया। तो देखिए इस तरह का इसका पिछले 2-3 साल के अनुसार अगर हम देखें, इस तरह का इसका मूव रहा है। अब एक अच्छी खबर आई है, और स्टॉक ने जो लो बनाया 9 रुपये का बनाया, और जो हाई है इसका 20 रुपीज़ का है। तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है आगे आने वाले दिनों में। नतीजे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। नतीजे अच्छे आएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। और जैसे कि अभी 14.55 रुपया हो गया, अभी सर्किट लगने जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ये हो सकता है कि 15 रुपये के ऊपर निकले, 15.70 रुपया, 15.75 रुपये के ऊपर अगर निकलता है तो 11 मार्च 2022 का प्राइस है, और नेक्स्ट जो लेवल होगा 18 रुपीज़ का होगा दोस्तों। 17 to 18 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। ये अप्रैल और मार्च का इसी साल का प्राइस है, और इससे पहले भी देख, और इसके ऊपर अगर टिक जाएगा, मीन्स ट्रेड करने लग जाएगा, तो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा। बट ये समय लग सकता है दोस्तों, टाइम लग सकता है। तो जिनके पास समय है तो इसको देखना चाहिए। फिलहाल अब तो ये सर्किट लगने जा रहा है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। स्मॉल क्वान्टिटी के हिसाब से पेनी स्टॉक का भी, तो पेनी स्टॉक को कितना समय देना है और रिस्क कितना लेना है। तो दोस्तों हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 27 सितंबर 2022 को जो तेजी आई है, तो डेप्ट का जो समाधान का अपडेट आया है, इसी की वजह से आया है दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।